अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई मिर्ची। ये रांधेर में स्पेशली कड़ी खिचड़ी और दाल चावल के साथ एज अ साइड डिश बनती है, बहुत मज़े की होती है। मेरी रेसिपी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम जितनी ये बुलेट चिली या जिसको छतरी मिर्चे बोलते हैं ये ले लिए। इसको मैंने बीच में से इस तरह से कट लगा लिया। मेरी अम्मी दोनों तरफ से कट लगाती है और बीच में से बीच निकाल देती है। मैंने एक कट लगाया और बीच में से इस तरह से बीच निकाल लिया इसके अंदर से, और ये साफ़ कर लिया। इसको पहले मैंने वॉश किया था, फिर इसको थोड़ा सा ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर से बीच निकाल लिए कट करके। इसके अंदर हमने मसाला फिल करना है, उसके लिए मैंने लिया हुआ मीडियम टू लार्ज साइज़ की मैंने एक पूरी गड्डी ली हुई है धनिया की। 6 बुलेट चिली मैंने ली हुई थी यही वाली, इसको मैंने चॉप कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 मैंने ली हुई स्पाइसी वाली चिली। ग्रेटेड कोकोनट मैंने लिया हुआ है 5 से 6 टेबलस्पून जितना। 2 टेबलस्पून जितना मैंने लिया हुआ है 4 मगज का पेस्ट। 4 लहसुन के जवे लिए हुए, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। और मैंने लिया हुआ है खसखस, इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले 3 टेबलस्पून जितनी खसखस को भिगो दिया पानी के अंदर, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। इसके बाद मैंने इसको इसके अंदर पीस लिया है, क्योंकि ये मैं इसके अंदर 7 पीस थी तो ये पीसा नहीं जाता, इस वजह से मैंने इसको पहले पीस लिया है। अब मैं इसके साथ सारी चीज़ों को पीस लूँगी। 1 से 1.5 लेमन का जूस अपने टेस्ट के हिसाब से मिला है, और मैंने इसके अंदर लिया हुआ है हरा लहसुन, मेरे पास अवेलेबल था फ्रीज़र में तो मैंने ले लिया। तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना लिया हुआ है मैंने। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सूखा लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाल दें, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 टीस्पून जितना रोस्टेड ज़ीरा पाउडर लिया हुआ है मैंने, और 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ है साबुत वाला ज़ीरा। खसखस हर मुल्कों में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि काफ़ी जगह पर बैंड होती है, तो आप ये नहीं है अवेलेबल तो आप इसी को ज़्यादा थोड़ा कर ले। तकरीबन इसकी क्वांटिटी इसमें बढ़ा दीजिएगा 4 मगज में। मैंने इसके अंदर पहले ये साबुत वाला ज़ीरा नहीं डाला था, ये पिस चुका है, मैंने थोड़ा सा चख लिया, नमक की ज़रूरत थी मैंने नमक मिला दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी और तकरीबन एक बार इसको मैं पीस लूंगी, ताकि ये मुझे थोड़ा सा क्रस्ट चाहिए। ये मैंने मसाला पीस लिया है, अब मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी इस तरह से, थोड़ा थोड़ा करेंगे। सारी मिर्चों में मैंने मसाला फिल कर लिया है, अब इतना बचा हुआ है मैं इसको फ्राई करते हुए इसके साथ फ्राई कर लूँगी। मैंने तेल गरम करने रख दिया था, ये गरम हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी मिर्चें सारी। मेरी फ्लेम मीडियम टू लो है, मैं इसको कवर कर लूँगी ताकि मसाला इसके अंदर पके और मिर्चें भी थोड़ी स्टीम के अंदर सॉफ्ट हो जाए साथ में। इसको मैंने एक तरफ से टर्न कर लिया, कलर थोड़ा थोड़ा आ गया है। अब मैंने फ्लेम थोड़ी स्लो कर दी और वापस से कवर कर दिया। तकरीबन 2 मिनट मैंने मज़ीद इसको कवर करके रखा है। अब मैं इसके अंदर ये साइड पे करूँगी सारा, और इसको फ्राई होते रहने दूँगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से कलर आ चुका है इसके अंदर, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारा मसाला था वो। अगर आपको ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए तो आप थोड़ा कम मसाला बनाएं, मगर मुझे इसके साथ ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है, तो ये एक्स्ट्रा मसाला मैं इधर इसको फ्राई कर लूँगी इसके साथ। मसाला फ्राई करते हुए अगर आपको ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा ऊपर से आप डाल दें और इसको फ्राई कर ले साथ में। मसाला हमारा भुन चुका है, अब मैं सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी एक साथ। और अब ये डिश आउट के लिए रेडी है। ये रेडी है हमारे रांधे स्टाइल तली हुई मिर्चे, दाल चावल या कड़ी खिचड़ी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं आप। इसको मैंने लेमन के साथ सर्व किया हुआ है। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।